कैल्शियम टॉनिक और लीवर टॉनिक करा रहे हैं जनाब वसीम भाई। जी जी ठीक है ना, किस लिए कि हम पीपीआर की वैक्सीन लगा रहे हैं जी, और ये एक एमएल लगाई जाती है सबका हाल और मास के बीच में जी। जब वैक्सीन लगा दो तो ये 5-10 दिन तो पिलाओ कम से कम, 5 रोज पिलानी है ताकि जानवर को स्ट्रेस, और खान पान का ये ध्यान रखो कि इनको हरे में कुछ ना कुछ जरूर दो जी, पत्ते में ग्रीन और पीपल या अपना खेत का कुछ बोया हुआ है जी वो जरूर दो, और बहुत जरूरी है, और लून पत्ती दो इस टाइम पर। अच्छा, इंजेक्शन देने के बाद कितनी देर में देना है पीपी? जैसे हाँ, पानी जल्दी नहीं देना है, पानी नहीं देना है बस। खाना तो आप आधे पौन घंटे बाद दे दो, आधे घंटे बाद, इसका कोई बटन नहीं है जी, देख सकते हैं। हाँ, डिवार्मिंग जो करते हैं ना उसके बाद कम से कम 4-5 घंटे बाद खाना या पानी देना चाहिए जी। जी मैं आपको अभी दोबारा दिखाता हूँ इस तरीके से, अभी हम करेंगे इसको इंजेक्ट करके और जानवर के लगाएंगे। ये इस तरीके से खाल को खींचा, ये डाल दिया, और ये खाल और मांस के बीच में देख रहे हो जी जी, और इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया, थोड़ा सहला दिया, लोग बाग सहलाते नहीं, उससे गांठ बन जाती है, सहलाना बहुत जरूरी है जी। अभी आप वसीम भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो जी, मेहनत नहीं करेंगे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करना बेवकूफी है हमारी, सही बात। और इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है आपकी, पहले आपको पीपीआर लगानी है जी, पीपीआर लगाने के बाद आपको ईटी लगानी है 20-21 दिन बाद, और उसके बाद आपको 20-21 दिन बाद वायोबैग लगानी है, मेहनत लंबी थोड़ी मेहनत नहीं है कि आपको हल चलाने, किसान बहुत मेहनत करता है, हल चलाता है, कान कान में पकड़ेगा, देख सकते हैं दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अभी हमने गुलर पीपल मंगाया है जी, इनको खिलाएंगे, ताकतवर होता है, फूल पत्ती देते हैं, हरी पत्ती जिसे बोलते हैं, ताकतवर होती है, इसके अलावा दाने का मिश्रण देते हैं जो मक्का गेहूँ चना मिनरल मिक्सचर और आपका सेंधा नमक लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं मिला के दिया जाता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो इनका केयर करना जरूरी है जी जी। वो ये दोस्त रहे हो।